भागलपुर सर्किट हाउस में शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जंगल राज के समय शिक्षा भी जंगल सी हो गई थी। जब से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पदभार संभाले हैं, तब से शिक्षा में बहुत बदलाव आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर आने का मुख्य मकसद है जदयू के शिक्षा प्रकोष्ठ को मजबूत करना एवं सदस्यता अभियान के तहत जदयू में कार्यकर्ताओं को जोड़ना। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भागलपुर के युवाओं को जदयू से जोड़कर आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि जदयू बढ़ेगा तो बिहार बढ़ेगा। अमरदीप, प्रदेश अध्यक्ष जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ, आज संवाद यात्रा के तहत भागलपुर आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, पूर्व में जदयू के 34 प्रकोष्ठ थे, अब उनकी संख्या घटकर 12 हो गई है। आज आप इसे शिक्षा प्रकोष्ठ कहते हैं, इसी में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भी है, कलंजवी प्रकोष्ठ भी है। इसका दायित्व अब पहले से बहुत अधिक हो गया है और शीर्ष नेतृत्व का इस बार बड़ा ही स्पष्ट निर्देश था कि तमाम प्रकोष्ठ अध्यक्षों के लिए कि आप लोग बारी बारी से 3800 जिले में जाएँ, वहाँ के साथियों से राय मशविरा करें, उसके बाद ही जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कमेटी का गठन करें। और साथ ही निश्चित तौर पर जो हमारे नेता, सर्वमान नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतने अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि मुझे ये दायित्व दिया गया है, उन कार्यों को मैं साझा करूं अपने साथियों के साथ, ताकि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए, ये उद्देश्य है।